18 अप्रैल सन 1912, न्यूयॉर्क शहर में रात के 9:30 बजे तेज बारिश के बीच लगभग 40,000 लोग किसी का इंतजार कर रहे थे। उस तेज बारिश में भी उन लोगों के चेहरों पर बहते हुए आंसू साफ देखे जा सकते थे। दरअसल जिसका वो लोग इतनी बेसब्री से इंतजार कर रहे थे वो एक शिप था जिसका नाम था RMS कार्पेथिया। कार्पेथिया अपने साथ एक ऐसी दर्दनाक कहानी लेकर लौटा था जिसे सुनकर लोग आज भी कांप जाते हैं। ये कहानी उस शिप की जिसके बारे में कहा गया था कि ये कभी डूब नहीं सकता। जी हाँ, अब तो आप जान ही गए होंगे कि हम बात कर रहे हैं RMS टाइटैनिक की। अगर बात की जाए इसकी भव्यता की तो इसका इसी बात से अंदाजा लगाया जा सकता है कि यह शिप अपने आप में एक चलते फिरते 5-स्टार होटल की तरह था। 17 मंजिला इमारत जितने ऊंचे, 3 फुटबॉल के मैदान जितने लंबे और 3500 से भी अधिक लोगों को ले जाने की क्षमता वाले इस जहाज में स्टेन ग्लास की खिड़कियां और नेटवुड पैनलिंग, 2 बड़े स्टेयरकेस, 1 गर्म स्विमिंग पूल, 1 टर्किश बाथ, 1 इलेक्ट्रिक बाथ, 1 जिम, 1 स्क्वाश कोर्ट, 4 रेस्टोरेंट, 2 बार्बर शॉप और 2 बड़ी लाइब्रेरियां भी थी। इस जहाज की कुल लंबाई 882 फुट 9 इंच और ऊंचाई तकरीबन 175 फीट थी। उस समय टाइटैनिक जहाज को बनाने में $7.5 मिलियन खर्च हुए थे, जिन्हें यदि आज के हिसाब से देखें तो यह तकरीबन $400 मिलियन के बराबर होगी। इस कहानी की शुरुआत होती है 31 मार्च 1909 को, जब बेलफास्ट आयरलैंड में व्हाइट स्टार लाइन नामक एक कंपनी ने एक विशाल लग्जरी जहाज को बनाने की शुरुआत की। 3,000 से ज़्यादा लोगों ने इस जहाज को अपनी कड़ी मेहनत से मात्र 26 महीनों में तैयार कर लिया था। जब यह विशाल जहाज अपने पहले और आखिरी सफर पर निकला था तब 1 लाख से भी अधिक लोग इसे देखने उस वक्त वहां मौजूद थे। 10 अप्रैल सन 1912 को यह जहाज अपने पहले सफर के लिए रवाना हुआ। इस जहाज को करीब 5,000 किलोमीटर तक का सफर तय करना था जो इंग्लैंड के साउथहैम्पटन से न्यूयॉर्क के बीच का था। जब टाइटैनिक जहाज ने अपने सफर की शुरुआत की तब इस जहाज पर 908 क्रू मेंबर को मिलाकर कुल पैसेंजरों की संख्या तकरीबन 2,223 थी, जबकि यह जहाज 3500 से अधिक लोगों को एक बार में ले जा सकता था। इस जहाज में कुल लोगों को तो मात्र इसलिए बैठा दिया गया था कि व्हाइट लाइन के 2 अलग अलग जहाजों में कोयले की कमी हो गई थी और फिर टाइटैनिक में पर्याप्त स्थान होने के कारण इन्हें भी इस जहाज में शिफ्ट कर दिया गया था। साउथहैम्पटन से होता हुआ टाइटैनिक फ्रांस के चेरबर्ग बंदरगाह में पहुंचता है और यहां पर कुछ यात्रियों को बैठाया जाता है, जिसके बाद यह शिप आयरलैंड के क्वींसटाउन बंदरगाह में पहुंचता है और यहां पर भी कुछ यात्रियों को बैठा कर यह जहाज न्यूयॉर्क के लिए रवाना हो जाता है। शिप की कमान 62 वर्षीय एडवर्ड स्मिथ के हाथ में थी जो व्हाइट स्टार लाइन कंपनी के बहुत ही अनुभवी कप्तान थे। 14 अप्रैल सन 1912 को टाइटैनिक के रेडियो ऑपरेटर को 6 आइसबर्ग वार्निंग मिलती हैं। पहली वार्निंग सुबह 9 बजे RMS कैरोनिया द्वारा दी जाती है। दूसरी वार्निंग दोपहर लगभग 1:45 बजे RMS बाल्टिक द्वारा दी जाती है। कप्तान स्मिथ इन दोनों वार्निंग्स को एक्नॉलेज करते हैं और शिप को थोड़ा दक्षिण की ओर मोड़ देते हैं। टाइटैनिक को SS कैलिफोर्निया द्वारा रात के 10:30 बजे एक अंतिम चेतावनी मिलती है जो कुछ मील दूरी पर उस रात बहुत सारी बर्फ होने की वजह से रुका हुआ था, लेकिन फिलिप्स ने इसे काट दिया और वापस संकेत दिया, चुप रहो, मैं काम कर रहा हूँ, कैपरेस। हालांकि टाइटैनिक के चालक दल को रास्ते में आने वाली आइसबर्ग के बारे में अच्छे से पता था, लेकिन फिर भी उन्होंने अपनी स्पीड को कम नहीं किया। उस रात चांद नहीं निकला था जिस वजह से दूर तक देखना थोड़ा मुश्किल हो गया था। ठीक 11:39 पर क्रोस नेस्ट से फेडरिक फ्लीट ने टाइटैनिक के रास्ते में एक आइसबर्ग देखा। दरअसल क्रोस नेस्ट जहाज के आगे टावर में बनी एक छोटी सी जगह को कहते हैं जो आमतौर पर शिप के आगे आने वाली बाधाओं को देखने के लिए बनाई जाती है। उन्होंने 3 बार लुकआउट बेल बजाई और 6ठे अधिकारी जेम्स मोडी को सूचित करने के लिए ब्रिज पर फोन किया और जोर से चिल्लाया, आइसबर्ग ठीक आगे। ब्रिज से संदेश आगे फर्स्ट ऑफिसर विलियम मॉर्डॉक को भेजा गया और उन्होंने कार्टर मास्टर रॉबर्ट हिचेंस को जहाज के मार्ग को बदलने का आदेश दिया। टाइटैनिक जब अपनी टक्कर के करीब पहुंचा तब ज्यादातर लोग अपने बिस्तर में सोने चले गए थे।
हवा का तापमान जमने के करीब पहुंच गया था और समुद्र पूरी तरह से शांत था। आपदा में बचे लोगों में से एक कर्नल आर्चिबाल्ड क्रेसी ने बाद में लिखा था कि समुद्र कांच की तरह था, यह इतना चिकना हो गया था कि उसमें रात में चमकने वाले तारों की परछाई साफ देखी जा सकती थी, जो सीधा सीधा इस बात का संकेत था कि असाधारण शांत पानी आसपास में बनने वाले आइस पैक का परिणाम है। लेकिन शिप की स्पीड इतनी तेज थी कि जहाज को जल्दी मोड़ना मुश्किल था। हालांकि तब तक जहाज का आगे वाला हिस्सा आइसबर्ग के सामने से हट चुका था, लेकिन उसकी वजह से जहाज का दायां हिस्सा आइसबर्ग से टकरा गया। एक लेखक ने लिखा कि टक्कर इतनी जोरदार थी कि इसके हल में 91 मीटर लंबा और 3 मीटर चौड़ा छेद हो गया, जिसकी वजह से जहाज में बाढ़ आनी शुरू हो गई। पानी बहुत तेजी से अंदर आ रहा था। उस टाइम सब लोग जाग चुके थे। सब लोग ये बात जानते थे कि जहाज किसी चीज से टकराया है, लेकिन उन्हें टक्कर की गंभीरता का पता नहीं था। टाइटैनिक के निचले डेक 16 कंपार्टमेंट में डिवाइड थे। हर कंपार्टमेंट एक वाटर टाइट डोर से सील हो जाता था। ये इस तरह से बनाए गए थे कि अगर 4 कंपार्टमेंट पानी से भर जाते हैं तो भी शिप तैरता रहेगा। लेकिन इतना बड़ा छेद हो जाने की वजह से शुरुआती कुछ ही सेकंडों के भीतर इसके 6 कंपार्टमेंट्स में पानी भर गया। कैप्टन स्मिथ ने अपने केबिन में टक्कर महसूस किया और तुरंत ब्रिज पर आ गए। स्थिति के बारे में सूचित करते हुए उन्होंने टाइटैनिक के निर्माता थॉमस एंड्रयूज को बुलाया, जो उस वक्त जहाज के आर्किटेक्ट थे। उन्होंने जब जहाज का मुआयना किया तो पता चला कि टक्कर के कुछ ही मिनटों के भीतर फॉरवर्ड कार्गो होल्ड, मेल रूम और स्क्वाश कोर्ट में पानी भर गया था, जबकि नंबर 6 बॉयलर रूम पहले से ही 14 फीट की गहराई तक भरा हुआ था। नंबर 5 बॉयलर रूम में पानी गिर रहा था और वहां के चालक दल इसे बाहर निकालने के लिए जूझ रहे थे। एंड्रयूज को समझ आ चुका था कि अब जहाज नहीं बचेगा। उन्होंने अनुमान लगाया कि जहाज ज्यादा से ज्यादा 2 घंटे तक और तैर सकता है। ठीक 12:05 पर कप्तान स्मिथ ने लाइफ सेविंग बोट्स को खोलने और उन पर यात्रियों को बैठाने का आदेश दिया। इस बीच रेडियो ऑपरेटर लगातार डिस्टेंस कॉल भेज रहे थे। ठीक 12:15 के आसपास स्टीवर्ड ने यात्रियों को अपनी लाइफ बेल्ट लगाने का आदेश दिया। हालांकि फिर से कई यात्रियों ने इस आदेश को मजाक के रूप में लिया। कई यात्री डेक में पड़ी बर्फ से फुटबॉल खेल रहे थे। टाइटैनिक में मात्र 20 लाइफ बोट्स थी, जो कि उन सभी यात्रियों को बचाने के लिए नाकाफी थी, जबकि टाइटैनिक में सभी यात्रियों को बचाने के लिए 64 लाइफ बोट्स होनी चाहिए थी। ठीक 1:20 पर स्थिति की गंभीरता अब डेक के ऊपर के यात्रियों के लिए स्पष्ट हो गई थी और उन्होंने अपनी पत्नी और बच्चों को लाइफ बोट में ले जाकर अलविदा कहना शुरू कर दिया था। पास के किसी भी जहाज का ध्यान आकर्षित करने के लिए हर कुछ मिनटों में डिस्ट्रेस फ्लेयर्स को फायर किया जा रहा था। 2 रेडियो ऑपरेटरों ने सहायता मांगने के लिए अन्य जहाजों से संपर्क किया। कई लोगों ने जवाब दिया, जिनमें से RMS कार्पेथिया करीब 58 मील की दूरी पर था। वह टाइटैनिक की तुलना में बहुत धीमा जहाज था। यहां तक कि उसे 31 किलोमीटर प्रति घंटा की अधिकतम गति से भी चलाया जाता तो उसे डूबते हुए जहाज तक पहुंचने में 4 घंटे लगते। रिस्पॉन्स देने वाला दूसरा जहाज SS माउंट टेम्पल था। उसने रास्ता तय किया और टाइटैनिक की तरफ बढ़ने लगा, लेकिन पैक आइस की वजह से उसे भी रास्ते में ही रुकना पड़ा। SS कैलिफोर्नियन, जिसने कुछ घंटे पहले ही टाइटैनिक को बर्फ की चेतावनी दी थी, वह इतना करीब था कि टाइटैनिक के डेक से उस जहाज की लाइट को आसानी से देखा जा सकता था। दरअसल उस जहाज के कप्तान स्टैनली लॉर्ड ने रात को 10 बजे बहुत ज़्यादा बर्फ होने की वजह से उस जहाज को वहीं रुकने का आदेश दिया था। रात 11:30 टाइटैनिक के हिमखंड से टकराने के 10 मिनट पहले कैलिफोर्निया के एकमात्र रेडियो ऑपरेटर सिरिल इवांस ने रात के लिए अपना रेडियो सेट बंद कर दिया और सो गए। पुल पर उनके तीसरे अधिकारी चार्ल्स कोप्स ने 10 से 12 मील दूर एक बड़े जहाज को देखा, जो आइसबर्ग की ओर तेजी से मुड़ा रुक गया। यदि कैलिफोर्निया के रेडियो ऑपरेटर 15 मिनट से अधिक समय तक अपने पद पर बने रहते तो शायद सैकड़ों लोगों की जान बचाई जा सकती थी। 1 घंटे बाद दूसरे अधिकारी हर्बर्ट स्टोन ने रुके हुए जहाज के ऊपर 5 सफ़ेद रॉकेट फटते हुए देखे। रॉकेटों का क्या मतलब है, यह पता ना होने पर उन्होंने कैप्टन लॉर्ड को बुलाया, जो चार्ट रूम में आराम कर रहे थे। लेकिन लॉर्ड ने सोचा कि टाइटैनिक पर लोग मौज मस्ती कर रहे होंगे। जहाज में पानी भर जाने की वजह से काफ़ी लोगों ने तैरकर अपनी जान बचाने की कोशिश की, परंतु पानी का तापमान -2 डिग्री सेल्सियस होने की वजह से उनकी जान अधिक समय तक नहीं बची, क्योंकि इतने तापमान में कोई भी साधारण व्यक्ति केवल 20 मिनट तक ही जीवित रह सकता है।
ठीक 2:20 पर जहाज 2 टुकड़ों में टूट गया और यह धीरे धीरे पानी के अंदर चला गया। 1500 से भी ज़्यादा लोग मारे गए। लगभग 700 से ज़्यादा लोग लाइफ बोट में बैठने में सफल हो गए थे। लगभग 4 बजे RMS कार्पेथिया इस लोकेशन पर पहुंचा और उन सभी 700 लोगों को बचा लिया गया। ठीक 9 बजे 2 और शिप इस लोकेशन पर पहुंचे, जिसमें से एक SS कैलिफोर्नियन था जिसका रेडियो ऑपरेटर वापस ड्यूटी पर लौट आया था, लेकिन अब वहां बचाने के लिए कुछ भी नहीं था। 9:30 बजे कार्पेथिया उन बचे लोगों को लेकर न्यूयॉर्क के लिए रवाना हो गया। कार्पेथिया 18 अप्रैल की शाम को पैक बर्फ, गरज और ऊबड़ खाबड़ समुद्र के माध्यम से एक कठिन यात्रा के बाद न्यूयॉर्क में पियर 54 पर पहुंचा, जहां 40,000 से ज़्यादा लोग आंसुओं में डूबे अपने प्रियजनों की खोज में आए थे। तो ये थी कहानी उस जहाज की, जिसके बारे में कहा गया था कि ये कभी नहीं डूब सकता। दोस्तों, हम हर हफ्ते